सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फेसबुक में लॉगिन करने ट्राई कर रहे हो, फिर आप कभी भी कोड वगैरह मंगाते हो अपने फेसबुक में, तो भाई आप लोगों का यहाँ पे कोड नहीं आ रहा है। तो आज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने फेसबुक का कोड को ईजिली अपने डिवाइस में मंगवा सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, उन्हें आपको फॉलो करना होगा, तभी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो पाएगी। तो बिना किसी तरीके में वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एक सिंपल सी ट्रिक क्या यूज़ करनी है। हो सकता है कि आपका इंटरनेट जो है अप डाउन, जो उसकी स्पीड हो रही हो, कम ज़्यादा हो रही हो, तो भाई आपके कारण है। अगर आपके घर में कोई वाईफाई लगा हुआ है या फिर आपके कोई पास में फ़ोन वगैरह पड़ा है, तो भाई उससे आप हॉटस्पॉट वगैरह से कनेक्ट हो जाइए या फिर किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको फेसबुक में जो है लॉगिन करना ट्राई करना है या फिर कोड मंगाने का ट्राई करना है, आपका कोड जो है ईजिली आ जाएगा। अब यहाँ पे गाइस, अगर आपको कोड अभी भी नहीं आता, तो यहाँ पे गाइस आपको एक सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गाइस जब भी आप कोई कोड मंगाओगे, उसके ऊपर यहाँ पे सबमिट कोड के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है हैविंग ट्रबल का। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने रिसेंट कोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो भाई वहाँ से आपको रिसेंट कर लेना होगा। कई बार होता है कि पहली बार में कोड नहीं आ रहा, तो भाई सेकंड टाइम में आपको कोड 100% आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कोड अभी भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको अगला काम क्या करना है। अगले काम के लिए गाइस आप क्या करना है, जो आपका जो फेसबुक है, इसे यहाँ से आपको डिलीट कर देना होगा। जैसे आप इसे डिलीट कर दोगे, आपको यहाँ से क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे फेसबुक को। अब यहाँ से गाइस हम क्या करेंगे, जो हमारा फेसबुक है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और साथ में अगर आपका फेसबुक अपडेट मांग रहे हो, तो अपडेट भी कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस आपने ये काम कर लेते हैं, आप देखिएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भाई अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको अगला काम क्या करना है। सो अगला काम करने के लिए गाइस मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपका कोड आपको पता है कि कहाँ पे आएगा। अगर आपका कोड व्हाट्सएप पे आता है या फिर मैसेज ऐप पे आता है, तो भाई उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन हम क्या करेंगे, फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे, वही सेम प्रोसेस रहने वाली है। ऐप्स पे आएंगे, ऐप्स पे आने के बाद मैनेज ऐप्स को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपका कोड व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो यहाँ आपको व्हाट्सएप लिखना होगा। व्हाट्सएप अगर आपका SMS ऐप पे आता है, तो भाई आपको सेम सर्च करनी होगी, सेम सेटिंग इसमें करनी होगी। आपको यहाँ से ऐप परमिशन पे आना है। देन यहाँ पे देखिए आपके सामने एक परमिशन होगी SMS की, तो भाई ये परमिशन आप लोगों की ऑन होनी चाहिए, साथ में फ़ोन की परमिशन ये भी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम परमिशन आपको जो मैसेज ऐप है उसमें मिल जाएगी, ये आपको ऑन कर देनी होगी। देन आप देखिएगा आपका कोड इजीली यहाँ पे आ जाएगा। तो बस के साथ चलिए, मैं आपको इतना भी आना था। अगर आपको अच्छे कोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।